आपके अपनों का हाल। नमस्कार, मैं हूं अविनिंद्र आशुतोष, लेकर हाजिर हूं पूर्वांचल एक्सप्रेस, आपके अपनों का हाल। प्रदेश में जब आप अपने देश को मिस करते हैं तो अब घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लेकर हाजिर हैं जिसका नाम है पूर्वांचल एक्सप्रेस। तो चलिए, रोज की तरह आज भी पूर्वांचल एक्सप्रेस की गाड़ी दनादन आगे बढ़ाते हैं और खबरों के स्टेशन पर रुकते हैं। सबसे पहले करेंगे बात बदहाली उन किसानों की जो परेशान हैं। प्रकृति की मार झेल रहे जौनपुर के किसान बदहाली और भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं। हालांकि प्रदेश सरकार ने इस जिले को सूखाग्रस्त घोषित कर दिया है, लेकिन किसानों को इस बात की चिंता खाए जा रही है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली थोड़ी सी सहायता से उनका साल भर का खर्च आखिर कैसे चलेगा। प्रदेश की समाजवादी सरकार के नेता अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाने में व्यस्त नजर आ रहे हैं। जौनपुर पहुंचे कद्दावर कैबिनेट मंत्री शिवपाल सिंह यादव ने कहा है कि ओलावृष्टि हो या सूखा, हर समय हमारी सरकार ने किसानों के हित में ही फैसला लिया है। शायद यही वजह है कि जौनपुर जिले को भी बारिश न होने की वजह से सूखाग्रस्त घोषित कर दिया गया है। साथ ही किसानों से वसूली पर रोक लगा दी गई है। अपनी सरकार की इन्हीं उपलब्धियों को गिनाकर वो फिर से 2017 में सपा की सरकार बनाने के दावे पेश कर रहे हैं। जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि जिले को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के बाद से किसानों से सभी प्रकार की वसूली पर रोक लगा दी गई है। इस तरीके की सड़कें, इतनी चौड़ी सड़कें, इतनी बढ़िया सड़कें और नहरों में पानी, इतना सूखा पड़ने के बावजूद भी, जबरदस्त सूखा पड़ने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के सरकार में नहरों में पानी चला। और देखिए, जब ओलावृष्टि हुई थी, अतिवृष्टि हुई थी, तब भी हमारी सरकार ने एक हफ्ते के अंदर जितना भी किसानों का जितना भी नुकसान हुआ था उसके भरपाई करी, किसान को परेशान नहीं होने दिया और सभी सुविधाएं किसानों को वसूली से लेकर के सब चीज़ रोक दी। और भारत सरकार से जो अपेक्षाएं थीं वो अभी तक प्राप्त नहीं हुई। मोदी साहब ने बहुत वादे किए थे, बहुत वादे किए थे कि अच्छे दिन हम लाएंगे, अभी तक तो कोई अच्छा काम कर नहीं पाए। और आप पूरे हिंदुस्तान में देख रहे होंगे असहिष्णुता का माहौल बना और लोग अब लोगों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिए। हमारा तो कहना है सब लोग यहीं पर रहें, समाजवादी लोगों पर विश्वास करें, कहीं पर भी किसी तरह की कहीं पर भी किसी को दिक्कत नहीं आएगी। सर, कम से कम 20-25 हज़ार का नुकसान हुआ सर, बारिश हुई नहीं। अब देखिए, आप देख रहे हैं पूरा खेत हम लोग भर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के समय पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं, पूरा एकदम जुताई नगो हूँ कुछ नहीं। अब सर, और ऊपर से जो है ये प्राकृतिक आपदा, हम लोग कुछ नहीं खा पा रहे हैं सर, पूरा एकदम कुछ अनाज उनाज घर में नहीं है सर। अब पूरा हम लोगों को काम करना, बाहर जाके काम करना पड़ रहा है पढ़ाई लिखाई के समय में, और बहुत एकदम अस्त व्यस्त है जनजीवन सर, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। केवल गृहस्थी के चक्कर में एकदम परेशान है, अनाज खाने पीने के लिए परिवार के,
पिताजी हमारे बाहर रहते हैं, कितना सर कमाए, जो है खेती में कुछ हो नहीं रहा है, सरकार कोई लाभ दे नहीं रही है, अनाज कुछ मिल ही नहीं रहा है, कहाँ से हम लोग कितना कर पाएंगे। सूखा पड़ा हुआ है, फसल हुई नहीं, फसल आधे से ज्यादा मैंने मार खा चुकी है और सूखा पड़ा है एकदम से। और अभी तक मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ कुछ मैंने हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने सुनने में ऐसा आया है कि इसको जिला जौनपुर जिला जो है सूखा राहत में घोषित किए हैं। हर साल आप फसल होते थे तो इस साल कुछ पैदावार हुई कि नहीं हुई? पैदावार में कमी है, बहुत ज्यादा से ज्यादा कमी है इस साल। जौनपुर में बारिश जो है वो सामान्य से कम हुई है, इसको देखते हुए इसे सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। इसमें अभी जो वर्तमान में घोषणा हुई है वो रिकवरी को स्थगित रखने की हुई है और इसको अमल में लाया जा रहा है। और भी जो योजनाएं जो योजनाएं जैसे हम लोग अभी ऐसी स्थिति में जो कुछ भी धान की खरीद हुई है उसको तेजी से करवाने का प्रयास किया जा रहा है। सभी सेंटर्स लगातार खुलवाए जा रहे हैं। मनरेगा योजनाओं में भी लगातार लोगों को धनराशि उपलब्ध करा काम के माध्यम से धनराशि उपलब्ध कराने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। यह कोशिश है कि किसानों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिल सके। नहीं फसल ना भला सूखा पड़ा ला तो कहाँ से कौन चीज हो, कुल झुरा गया ला। सरकार से कोनो सहायता मिलता ना तो का हम लोगों खाल पियल जाए। के बाद एक हफ्ते से हम लोग यहाँ भर रहे हैं अपना खेत और एक हफ्ते में जाके हुआ है और सूखा तो इतना पड़ गया कि अनाज भी सही से नहीं होता यहाँ पे। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एकदम सूखा पड़ गया, उधर एकदम बंजर जमीन हो गई है। और किसी तरह हुई तो है लेकिन हर साल की इतना नहीं हुई है। तो सरकार ने दावे तो कर रखे हैं लेकिन जो असलियत है वो किसानों ने बता दिया कि वाकई सूखे से किस कदर वो परेशान है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देश में एक तरफ सूखा व आपदा के चक्कर में किसान बहुत परेशान है तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी जिलों को सूखा घोषित कर किसानों को चेक वितरण करने का आदेश दिया है, लेकिन कुछ मंत्री अपने विधानसभा और अपने करीबियों में ही चेक वितरण करा रहे हैं और वहीं आम जनता भूख और आपदा से त्रस्त होकर आत्महत्या करने को मजबूर हो गई है। बस्ती के जिलाधिकारी अनिल कुमार दमेले से जब पूछा गया तो वो कहते हैं कि सरकार जिले में कम पैसा भेज रही है जिससे सभी को चेक नहीं मिल पा रहा है, जैसे ही पैसा आएगा लोगों को दे दिया जाएगा। बड़े नेता है सब अपने अपने क्षेत्र में सूखा राहत बंटवा रहे हैं और जो बाकी की जनता है सब ऐसे उम्मीद लगाए बैठी है कि अब मिलेगा, इस महीने मिल जाएगा, अगले महीने मिल जाएगा। तहसील का चक्कर काटते काटते लेखपालों से मिलते मिलते सब एकदम त्रस्त हो गए हैं। कोई उम्मीद नहीं बची है सूखा राहत मिलने की, मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। अगर भटक रहे हैं, कर्ज लेने पे मजबूर रहे हैं, बाकी कई गन्ने भी इस समय नहीं बिकने वाले हैं, लग रहा मिल भी शुगर मिले बंद हो गई हैं सब। पिछले नवंबर में एक नाव थी, नाव में काफ़ी लोग थे, वो नाव डूब गई थी। डूबने से 6 लोगों की मौत हो गई थी जिसमें उनकी लाशें 3-4 दिन के बाद मिली थी। बाकी लोगों को लोग दौड़ करके बचा लिए और नावी थे बचा लिए, लेकिन 6 की मौत हो गई थी। तो उन्हीं 6 लोगों का ही 2-2 लाख के हिसाब से ये चेक वितरित किया गया है ताकि इनके परिवार को एक संबल मिल सके, इनके परिवार उस पर निर्भर होकर के अपनी अगली जिंदगी जी सके। मंत्री का विधानसभा है, मंत्री अपने विधानसभा में चेक का वितरण करवा रहे हैं, बाकी और किसानों के लिए ये दिक्कत हो रही है। और जो मंत्री जहाँ जहाँ चाह रहे हैं वहीं किसान को मिल रहा है, बाकी हम लोगों के गाँव में अभी तक सूखा राहत का चेक नहीं मिला है। हरैया विधानसभा में किसान भुखमरी के कगार पे चल रहा है और इसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं और अभी तक चेक नहीं मिला। हम लोग काफी कंप्लेन किए, अधिकारी मंत्री की सारे पे नाच रहे हैं। इस तरह से तमाम गांव हरैया विधानसभा में बरापुर कुंवर, महवा कुंवर और फिर यहाँ मरौटिया कुंवर, ये सब गांव में अभी चेक नहीं मिला है, लेकिन परशुराम पुपलांग में काफी जगहों पर चेक मंत्री के माध्यम से मिला है। जो मंत्री के खास लोग हैं उनको मिल रहा है और अधिकारी लोग अपना चेक खुद अपने द्वारा अपने आदमियों को दे के बैंक में भजवा रहे हैं। हम लोग इसके लिए इतना परेशान हो रहे हैं, बार बार अधिकारियों के यहाँ चक्कर लगाना पड़ रहा है, कर्मचारियों के पास जाना पड़ रहा है। बस्ती के बाद अब सफर बढ़ाते हैं गोरखपुर की तरफ।
गोरखपुर में ग्राम प्रधानी चुनाव में प्रत्याशी द्वारा जहरीली शराब बांटे जाने से 2 लोगों की मौत हो गई और 12 की हालत गंभीर बनी हुई है। पिपराइच थाना के छत्रधारी गांव में जब मौत की खबर अधिकारियों तक पहुंची तो उनके हाथ पैर फूल गए। फिर क्या था, जिलाधिकारी सहित पुलिस कप्तान भी मेडिकल कॉलेज पहुंच गए और सभी ने मौके की नजाकत को देखते हुए पहले आबकारी विभाग सहित पूरे पिपराइच थाने को ही निलंबित कर दिया और दोषियों के खिलाफ जांच के बाद कड़ी कार्रवाई का आदेश देने का भरोसा दिलाया। तंधारी में शराब पीने से 2 लोगों की मौत हुई है, बाकी जो यहाँ पे भर्ती हैं मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। हम लोग सभी लगे हैं और जांच चल रही है, पूरी टीम वहाँ पहुँच गई है और जांच के बाद कार्रवाई की। सर कितने पेशेंट यहाँ पे आए हैं टोटल? सभी 12 लोग आए हैं यहाँ पे और उसमें जो मृतक हुए हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख रुपये देने की घोषणा की है। अब बाकी जो इलाज जितने इलाज में जो खर्चा होगी वो राज्य सरकार वहन करेगी। सर जो आरोपी होंगे खिलाफ अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? ये सभी संबंधित खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है और बाकी मौके पे भी कार्रवाई शुरू की गई है और आगे भी कार्रवाई की। गोरखपुर के बाद मऊ की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश के अति संवेदनशील जिला मऊ में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन लूट हत्या बलात्कार जैसी घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपराधियों पर अंकुश लगाने में सरासर नाकाम साबित हो रही है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मोहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के करहा गांव में, जहां 55 वर्षीय सहकारी समिति के पूर्व सचिव मणिराम सिंह की खाद्य बीज देने के दौरान 2 अज्ञातों ने दिन दहाड़े गोली मार दिया और फरार हो गए। इस घटना के बाद से गांव में सनसनी फैल गई है। आनन फानन में ग्रामीण उपचार के लिए उन्हें जिला अस्पताल लेकर आ रहे थे कि रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। वहीं इस घटना की जानकारी मिलते ही जिला अस्पताल में पुलिस अधीक्षक ने पहुंचकर मामले की जांच का आदेश दे दिया है। किसान हूँ और खाद लेने के लिए गया था, वहाँ के बहुत सारे लोग खाद जो है लेने के लिए खड़े थे। हमारी खाद क्योंकि 2 लोग आए हैं और दोनों जो है 22 से 25 साल की उम्र के लड़के रहे हैं, जिनको हम लोग पहचान तो नहीं पाए हैं, लेकिन नज़दीक जब वो एकदम इतना मात्र 2 फुट की दूरी पर एक आया है और गोली मारा है और मारने के बाद वो जो भागे हैं, तो मैं दूर था लेकिन मैं जब आया हूँ सड़क पर एक जाकर के गिर गया है, गिरा है तो मेरे तरफ ताना है वो गोली। दूसरा मोटरसाइकिल स्टार्ट किया था और स्टार्ट की ही किया, उस पर उठ करके बैठा है और सब भाग गए अहमदाबाद की तरफ। पहले ऐसी रंजी थी वहाँ, ये कम से कम पिछले 25-30 साल से वहीं सचिव थे, रिटायर हो गए। क्या करते थे ये सचिव के पद से रिटायर? कौन सचिव? ये सहकारी समितियों के पूर्वांचल एक्सप्रेस में अभी वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर आपको लेकर चलेंगे आपके गांव में, आपके शहरों में, जहां की खबरें आप देखना चाहते हैं, तो बस हम बहुत जल्दी हाजिर हो रहे हैं।
आपके घर आंगन से, आपके अपनों का हाल, गांव की बातें, शहर के हाल, सियासत की सरगर्मी और बदलते मौसम का हाल, यानी देश की खबर परदेश में। पूर्वांचल एक्सप्रेस लेमन टीवी अब इसलिए हिट हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में और पूरे देश में, क्योंकि वो पूर्वियों की आवाज बनने जा रहा है, पूर्वियों की भाषा को तवज्जो देने जा रहा है। इसलिए मेरी शुभकामना भी है और आशा है कि सुपर हिट लेमन होगा। जी नमस्कार, मैं सुरेश शुक्ला, गायक संगीतकार, पूर्वांचल एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उत्तर प्रदेश, बिहार, तमाम अपने गांव जवार की न्यूज देखें, खुश रहें, धन्यवाद। मैं हूं निर्माता, निर्देशक और संगीतकार राजकुमार पांडे और आप सब देख रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस। और मैं बहुत सारी शुभकामना देता हूं कि चैनल उस तरह चले, प्रोग्राम उस तरह चले जिस तरह से गंगा जमुना का धारा चलता रहता है, निरंतर बहता रहता है, उसी तरह जो एक्सप्रेस है ये अपने आप में एक रफ्तार में चलता रहे, धन्यवाद। चैनल वन, हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के डीटीएच पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपने गांव की खबर, अपने शहर की खबर पूर्वांचल एक्सप्रेस में। तो चलिए फिर से बढ़ाते हैं सफर आगे। मऊ शहर के पहाड़पुरा इलाके में स्थित तालीमुद्दीन निस्वा गर्ल्स डिग्री कॉलेज में महिला समाख्या की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम की गोष्ठी की गई। छात्राएं जागरूक हो सकें और अपने ऊपर हो रहे शोषण का जवाब दे सकें, इसके लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का आयोजन मुस्लिम छात्राओं के बीच किया गया ताकि मुस्लिम छात्राएं अपने तरीके से जागरूक हो सके और अपने अंदर बुराई और अन्याय के खिलाफ लड़ने की हिम्मत पैदा कर सके। इनको ये जानकारी मिले और ये जानकारी अपने घरों तक ले जाएं, अपने आसपास में ले जाएं, समाज में ले जाएं, जिससे महिलाओं और लड़कियों के साथ जो होने वाली हिंसा है वो कम हो। मुख्य उद्देश्य हमारा यही है कि हम हमारे समाज में सामाजिक चेतना है और समाज के लोग भी इसके लिए आवाज़ उठाएं, सरकार तक ये आवाज़ पहुँचाएँ और जो हमारी कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था सक्रिय रूप से काम करने लगे महिलाओं और लड़कियों के साथ, वो सोई ना रहे। हम ये चाहते हैं महिलाएँ देखिए शिक्षा के क्षेत्र में तो ये सही है कि महिलाएँ शिक्षित हो रही हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ी हैं और डिग्रियाँ हासिल कर रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें इसका प्रतिशत बढ़ा है। लेकिन जो शोषण का ग्राफ है महिलाओं का वो लगातार घट रहा है, उसमें बढ़ोतरी ही हो रही है, वो कम नहीं हो रही। जबकि मेरा जो मानना है वो इसका कारण ये है कि महिलाओं में घट रहा है, मऊ के बाद चलिए बढ़ते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में ग्राम पंचायत के चुनाव में आदर्श चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन खामोश बनकर तमाशबीन बना हुआ है। प्रत्याशी के समर्थक पुलिस के सामने रैली निकाल रहे हैं और पुलिस प्रशासन असहाय होकर सिर्फ देख रहा है। पुलिस द्वारा रैली निकालने वालों का कई बार चेतावनी दी गई उनको, लेकिन प्रधान पद के प्रत्याशियों ने पुलिस की एक नहीं सुनी और पुलिस के सामने रैली निकालने से बाज ही नहीं आए। रैली निकालने को लेकर पुलिस और रैली में शामिल लोगों के बीच नोक झोंक भी हुई, लेकिन लोगों पर असर नहीं होता देख पुलिस ने अपनी राह पकड़ ली। दरअसल ग्राम पंचायत चुनाव के पहले चरण का मतदान 28 तारीख को होना है, यानी 28 नवंबर को, जिसके लिए चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन था। अंतिम दिन होने के कारण प्रत्याशियों ने आदर्श चुनाव आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई
और चुनाव आचार संहिता का पालन कराने का दम भरने वाला जिला प्रशासन मजबूर होकर सिर्फ तमाशा देखता रहा। जनपद के सबसे बड़े ग्राम सभाओं में से एक रामकोला थाना क्षेत्र के खोटी गांव में भी प्रधान पद के प्रत्याशियों ने पुलिस की मौजूदगी में चुनाव आचार संहिता का जमकर माहौल उड़ाया। प्रत्याशी के समर्थक पुलिस प्रशासन पर दूसरे प्रत्याशियों को मदद करने का भी आरोप लगाते रहे। आपके सामने ही हजारों लोग घूम रहे हैं इस तरह से। खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, उसमें कार्रवाई की जाएगी। छोटा ही ग्राम सभा है, जिस ग्राम सभा का प्रधान प्रधान में चुनाव लड़ रहा है, राम प्रधान है, उनकी पत्नी जी के नाम से है, वही लड़ रही है। पूरे जलूस के साथ अपने घर पे थे, दो चक्के पैदल गांव के लोग इकट्ठा हुए थे। मौके पर प्रशासन जाकर के वहां रोक दिया, कोई जलूस निकालने की जरूरत है, कोई नहीं निकालेगा। वह लोग वहीं रुक गए और एक पार्टी ने जो सहनी है बैजनाथ सहनी, वह जो है फोर व्हीलर गाड़ी से पूरे हुजूम के साथ पूरे ग्राम सभा में घूम रहे हैं और चौराहे चौराहे भाषण दे रहे हैं और जाम कर रहे हैं। और पुलिस वहाँ मौके से बंद करके देख करके सरकार को बदनाम करने में यहाँ की पुलिस लग गई है। हम लोग केवल पैदल घूम करके श्रावस्ती जिले के थाना भिनगा इलाके के खरगोरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बोलेरो ने सड़क किनारे खड़े पिता पुत्री को ठोकर मार दी, जिसे पिता आस मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई और पुत्री रुआब सईदा की हालत नाजुक होने पर उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जिले के अमवा गांव का निवासी आस मोहम्मद अपनी 5 वर्षीय बच्ची रुआब सईदा का इलाज कराने बहराइच जा रहा था। बस के इंतजार में पिता बीमार बच्ची को सड़क पर लेकर उसके किनारे खड़ा था, तभी एक तेज रफ्तार बोलेरो ने ठोकर मार दी, जिससे आस मोहम्मद की मौके पर ही मौत हो गई और बच्ची बुरी तरह से जख्मी हो गई, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इसके साथ ही गाड़ी को कब्जे में लेकर चालक को गिरफ्तार कर लिया है। घंटे पहले की बात है, आस मोहम्मद पुत्र चांद अली, ये ग्राम अमवा के हैं, 32 वर्ष की उम्र है, अपनी पुत्री रुआब सईदा 5 वर्ष की है, उसके साथ ये खरगोरा मोड़ पे खड़े थे और एक बोलेरो गाड़ी से अपने टक्कर को टक्कर मारी तो आस मोहम्मद की मृत्यु हो गई और ये जो उनकी पुत्री है वो घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती है और जो गाड़ी है जिसने टक्कर मारी वो पुलिस के गिरफ्त में है। मुरादाबाद के थाना ठाकुर द्वारा कोतवाली के गांव लौंगी खुर्द के जंगल में एक महिला का शव मिलने से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों को बुलाकर शिनाख्त कराने की कोशिश की, लेकिन महिला की शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं मुरादाबाद पुलिस का कहना है महिला को इलाके के लोगों ने बस से उतरते हुए देखा था। महिला कुछ मंद बुद्धि बताई जा रही है, उसे जंगल की तरफ जाते हुए भी देखा गया था। मुरादाबाद पुलिस का कहना है कि ये बात तो तय है कि महिला की हत्या उसी के ही दुपट्टे से की गई है और बलात्कार की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, जिसके बाद ही पता चल सकेगा कि महिला के साथ आखिरकार हुआ क्या। ऐसा था कि ये कल लौंगी खुर्द गांव है ठाकुरद्वारा थाने में, तो वहाँ के जंगलों में एक महिला के शव मिलने की सूचना थी। इस पर हमारे पुलिस अधिकारी गए, मैं भी गया, तो वहाँ जाके जानकारी मिली कि उस महिला को एक दिन पहले बस से उतरते देखा गया था किसी गांव की महिला ने, और उसने कुछ ऐसा आशंका व्यक्त की थी कि ये कुछ उसने ये जानकारी चाहिए हुआ है कहीं, तो वो अप्रत्याशित जानकारी थी। तो उस पर उस महिला ने समझा कि ये कोई ऐसी महिला है जिसका
दिमाग जो है कुछ कम है, तो उसने ये बताया कि ऐसा लग रहा था कि वो कुछ अर्ध विक्षिप्त टाइप की महिला है। तो उसने कुछ नहीं बताया, वो अपना चुपके से निकल गई और वो उसके बाद में जंगलों की तरफ जाना बताया गया। ये है एक दिन पहले की बात। उसके बाद में 25/11 में कल इसके सबको सब मिलने की जानकारी प्राप्त हुई। उस पर हम लोग गए थे तो ये जंगल में उसका सब पड़ा मिला था। और अभी क्योंकि पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्पष्ट पता लगेगा कि मृत्यु का कारण क्या है। वैसे गले मृत्यु का कारण तो स्पष्ट है कि गले में उसका फंदा लगा हुआ था उसके दुपट्टे का। और क्या इसमें रेप की आशंका जताई जा रही है? ये अभी प्राइमा फेसी तो दिखाई नहीं देता, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही ये क्लियर होगा कि वास्तव में उसके साथ क्या हुआ है। तो ये था आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल। निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि गांव में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको हम दूर रहकर नहीं देख पाते, लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेस का मकसद है कि आपको उस तरह की खबरें दिखाए जिसको आप मिस करते हैं। तो आज के पूर्वांचल एक्सप्रेस में बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत, राम राम। नमस्कार, फिट रहे मुंबई में मैं फिटनेस एक्सपर्ट आपकी कविता आपका स्वागत करती हूं। और आज के इस फिटनेस के सेगमेंट में हम आपको बताने वाले हैं वार्म अप एक्सरसाइज। शुरुआत करेंगे हम नेक रोटेशन से, उसके बाद में शोल्डर रोटेशंस, देन कंप्लीट हैंड रोटेशन, हाथों को घुमाना आगे और पीछे की तरफ, इसके बाद कमर को दोनों तरफ घुमाना, देन साइड बेंडिंग, इसके बाद फ्रंट बेंडिंग एंड देन फ्रंट बेंडिंग एंड बैक बेंडिंग। सिमिलरली अपने नीज को आप नी जॉइंट को एक्सरसाइज दे सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद अपने पंजों को लिफ्ट अप करें एंड देन डाउन, देन ऑन योर हील्स एंड देन डाउन। सो ये सब सारे वार्म एक्सरसाइज हैं जो कि करना बेहद बेहद ज़रूरी है। हम अपने अलग सेगमेंट्स में आपको अलग अलग एक्सरसाइज बताते रहेंगे, लेकिन फिट रहे मुंबई में आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। चैनल वन, हर खबरों में धड़कती है देश की धड़कन, देश का तेजी से बढ़ने वाला आपका अपना न्यूज चैनल। चैनल वन न्यूज अब डिश टीवी के DTH पर भी उपलब्ध, तो देखते रहिए चैनल वन न्यूज, चैनल नंबर 567 पर। आपके घर आंगन से आपके अपनों का हाल, गांव की बातें शहर के हाल।